हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बिहार में बनने वाले ट्रेडिशनल गुजिया। यह गुजिया बहुत टेस्टी बनता है, बहुत क्रिस्पी बनता है। तो चलिए हम बनाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले हमने सूजी को मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। नारियल हमने घिस लिए हैं, दूध से खोया हमने बना लिए हैं। सूजी को हम लगातार चला रहे हैं ताकि ये सटे ना नीचे कढ़ाई में। ये देखिए दोस्तों, हल्का ब्राउन हो चुका है। ये सूजी हाफ केजी के लगभग है। और जो बाकी का सूजी जो बचा हुआ है उसको भी हमने भून के निकाल लेंगे, किसी प्लेट में ठंडा होने देंगे। तब तक हम मैदा लेके, हाफ के जी मैदा, उसमें रिफाइंड या आप घी भी रख सकते हैं, उसको हम बहुत अच्छी तरह मिला लेंगे। इससे जो है गुजिया बहुत क्रिस्पी बनता है और बहुत ही खस्ता बनता है। इसको अच्छी तरह हमने मिला लिया है। अब थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे और आटे की तरह हम गूंथ लेंगे। यह आटे से बहुत ही सख्त रहता है। इसको हमने अच्छी तरह गूंथ लिए है, सख्त आटा बना लिए हैं। अब हम स्टफिंग तैयार करेंगे। सबसे पहले हमने सूजी और खोया को मिला लिए हैं अच्छी तरह। अब इसमें इलायची पाउडर रख रहे हैं, किशमिश, आप कोई सा भी ड्राई फ्रूट रख सकते हैं। इसमें चीनी का बूरा रख रहे हैं और आटे को हम इस तरह काट लिए हैं, मैदे को इस तरह हम बेल के स्टफिंग भर लेंगे। आप चाहे तो गुजिया मशीन से भी बना सकते हैं, हम यहाँ पे हाथ से बना रहे हैं। पूरी की तरह हमने बेल के उसमें स्टफिंग भर के साइड साइड से हमने चिपका के फिर इसको डिजाइन बना देंगे हम इस तरह। आप कोई सा भी डिजाइन बना सकते हैं, हमने यहाँ पे ये डिजाइन बनाए हैं। ये देखिए दोस्तों, इतना हमने बना लिए हैं। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे किसी कढ़ाई में। एक एक करके हमने सारे गुजिए रख लिए हैं, इतना हमने फ्राई करना है उतना हमने रख लिए हैं। इसको हम इस तरह लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लिए हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे और जो बाकी का जो गुजिया बचा हुआ है उसको भी हम फ्राई कर लेंगे।
आप कोई सा भी डिज़ाइन दे सकते हैं, गोलाकार में भी इस तरह बना सकते हैं, गोलाकार में भी या लंबाई में भी। तो लीजिए दोस्तों, गुजिया हमारा बनके तैयार है। तो ये गुजिया रेसिपी आपको कैसा लगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइए और बेल आइकन न दबाना न भूले। थैंक यू।